नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, सावन का महीना महादेव और माता पार्वती के पूजन का महीना है। इस महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे, इसलिए ये महीना भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं। महिलाएं सावन के महीने में सावन के सोमवार, मंगला गौरी व्रत और हरियाली तीज जैसे व्रत रखकर अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। अगर सावन के महीने में महिलाएं रोजाना ये 6 कार्य करें तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो 6 कार्य क्या हैं। महिलाओं को सबसे पहले सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, इसके बाद ही कुछ खाना पीना है। सावन भर इस नियम का पालन करने से महादेव और माँ पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। ये काम महिलाओं के अलावा पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए चूड़ियाँ अत्यंत प्रिय होती हैं। सावन का महीना हरियाली से भरा होता है, ऐसे में इस महीने में महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहनना चाहिए, जिससे माँ गौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस महीने में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए मेहंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन के महीने में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मेहंदी सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इस महीने में एक बार मेहंदी जरूर लगाएं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व होता है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है। महादेव की प्रसन्नता देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होती है, इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए, महादेव का ध्यान करना चाहिए, इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा मिलती है। दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी तरह के वाद विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। इस महीने के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये महीना आनंद का महीना होता है, इसमें महादेव और माता का ध्यान करना चाहिए। यदि क्रोध आए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का रुद्राष्टकम का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। सावन के महीने में भगवान का ध्यान करना चाहिए। महिलाएं सावन के महीने में शुद्ध और सात्विक भोजन करें, शुद्ध आचरण रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, यदि महिलाएं इन सब बातों का ध्यान रखें, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, माता पार्वती की आराधना करें और पूरे साज श्रृंगार के साथ रहें, तो महादेव के साथ माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। दोस्तों, जो महिलाएं सावन के महीने में इन सभी कार्य को करती हैं, तो उन महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महादेव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।